हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि यह है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के तरफ से। जी हां फ्रेंड, ये वैकेंसी एनसीआर के तरफ से आई है जो कि अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2018 भर्ती निकाली गई है। और इसमें सीट की बात करें, इसमें 703 सीटें हैं दोस्तों। तो 703 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर यह सीधी भर्ती निकाली गई है। तो ये 703 एक्ट अप्रेंटिस पदों पर यह सीधी भर्ती निकाली गई है। बात कर ले एग्ज़ाम की, तो इसमें कोई भी आपसे एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, यानी कोई भी लिखित परीक्षा आपसे नहीं ली जाएगी और ना ही कोई इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन होगा वो 10th 12th ITI के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। तो बात कर ले लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट जो इसमें बताया गया है वो 30 दिसंबर 2018 है। तो 30 दिसंबर 2018 के शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 दिसंबर तक का वेट ना करें, इससे पहले पहले इस फॉर्म को भर ले। तो इसे फॉर्म को भर के भेजना क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे दोस्तों। तो बात कर ले अब एज की, तो एज जो है फ्रेंड उसमें 15 से 24 साल है जो कि 30/11/2018 को फुलफिल होना चाहिए। तो अगर आप 15 से 24 साल के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कैटेगरीज वाइज एज में छूट मिल जाएगी, OBC के लिए 3 साल और ST/SC के लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी आपको यहाँ पर। और बात कर ले वैकेंसी डिटेल की, तो वैकेंसी डिटेल जो है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में किस तरह से है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें कारपेंटर के लिए 11 पोस्ट है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, जबकि फीटर के लिए 335 पोस्ट है दोस्तों। तो फीटर में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 335 पोस्ट है, जबकि पेंटर में जो पोस्ट है वो सिर्फ 5 पोस्ट दिए गए हैं, जबकि वेल्डर में गैस इलेक्ट्रिक के लिए 13 पोस्ट खाली है, जबकि आर्मेचर वाइंडर के लिए 47 पोस्ट खाली है दोस्तों। या तो वाइंडर के लिए 47 पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल इलेक्ट्रिक लोको शेड एंड TMS की। तो यहाँ पे जो फीटर के लिए पोस्ट है वो 246 पोस्ट है दोस्तों, और मैकेनिस्ट के लिए 15 पोस्ट है, और वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक के लिए 9 पोस्ट खाली है, और इलेक्ट्रिशियन के लिए सिर्फ 2 पोस्ट खाली है। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिशियन का आपको बता दूँ कि इसमें एक जनरल के लिए पोस्ट खाली है और एक OBC के लिए पोस्ट खाली है यहाँ पर। तो अब बात कर लेते हैं कारपेंटर की, तो कारपेंटर में 5 पोस्ट खाली है, क्रेन में 8 पोस्ट खाली है, और पेंटर में 7 पोस्ट खाली है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, 10th होना चाहिए, और साथ में ही अगर आपने 10th किया है तो आपके 50% मार्क्स अवश्य होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और या अगर आपके पास 12th पास है, तो अगर आपने 12th किया है और साथ में ITI है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 10th + ITI या फिर 12th + ITI आपका होना ज़रूरी है, और ध्यान रखें 10th में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। तो बात कर ले अब फीस की, तो फीस जो इसमें है फ्रेंड वो है जनरल और OBC के लिए 100 रुपये है, जबकि अदर कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं यहाँ पे ली जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं पेमेंट प्रोसेस की, तो पेमेंट किस तरह से आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। तो पेमेंट जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना होगा, यानी कि DD के द्वारा, या फिर आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये होगा यहाँ पे आपको लिखना है DD में या पोस्टल ऑर्डर में, और जो इलाहाबाद के पक्ष में दे होगा। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है दोस्तों वो मेरिट बेस पर होगा, यानी कि जो आपके ITI में मार्क्स है और जो 10th में मार्क्स है उनको मिलाकर ये आपका सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं स्टीपेंड की, तो स्टीपेंड जो होगा वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार होगा, जो आपको पर मंथ दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, जो कि अमूमन 6,000 या 7,000 के रुपए के आसपास होता है। तो बात कर लेते हैं ट्रेनिंग प्लेस की, तो ट्रेनिंग प्लेस जो है फ्रेंड वो है विद्युत लोको एंड TMS कानपुर में, तो ये कानपुर शहर में आपका ट्रेनिंग प्लेस होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करना कैसे है, तो अप्लाई करने का तरीका बेहद ही आसान है दोस्तों। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसे सर्किल कर रहा हूँ, आप इसे देख लें, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको जाना है, और जाने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको न्यूज़ एंड रिक्वायरमेंट एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन ALD डिवीजन आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और इसे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको करना है एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2018-19 ALD डिवीजन, ये लिंक आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और अपना ऑनलाइन फॉर्म को भर लेना है। तो फॉर्म भर लेने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, प्रिंट आउट फॉर्म का ले लेना है, और साथ में डॉक्यूमेंट और ITI के जितने भी सत्र के मार्कशीट है वो आपको ले लेना है,
और NCVT के द्वारा जारी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि सत्यापित प्रति के साथ होना चाहिए, सत्यापित प्रति के साथ होना चाहिए, जो कि आपको एक लिफाफा में भर कर भेज देना है। तो भेजना कहाँ है ये आप देख रहे, कार्यालय वरी मंडल क्रमिक अधिकारी क्रमिक शाखा या फिर भर्ती सेल रूम नंबर 112 इलाहाबाद मंडल उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद यूपी में, पिन कोड है इसका 211001 पर आपको भेज देना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है रिसिप्ट पाने की वो है 31/12/2018। तो 31/12/2018 के पहले पहले ये आपका वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए इलाहाबाद में। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो लोग भी अप्रेंटिसशिप में जाना चाहते हैं वो जा सके। तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अप्रेंटिस की बहुत सारी वीडियो मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो फ्रेंड आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर अप्रेंटिस की और भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जयपुर अप्रेंटिस के लिए वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, और गोरखपुर जयपुर अप्रेंटिस भी निकला हुआ है उसकी वीडियो मिल जाएगी, और जल विद्युत जो कि शिमला अप्रेंटिस निकला हुआ है वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी अभी भी लास्ट डेट बाकी है, जो कि 28 दिसंबर 31 दिसंबर उसकी भी लास्ट डेट है। तो उन अगर आप उसमें भी जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आप फ्रेंड आपको नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा बिल्कुल इस तरह से, इसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलना दोस्तों, इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।